दो और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझना चाहते हैं। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? मार्केटिंग रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरमेंट। अब एक वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट है। आप सब लोग ये जानते हैं कि मार्केटिंग में हम वैल्यू में डील करते हैं। जो हम कस्टमर को ऑफर करते हैं वो भी वैल्यू है, और जो हम कस्टमर से इन एक्सचेंज हासिल करते हैं वो भी वैल्यू है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि हम ये समझते हैं कि वैल्यू से मुराद कोई ऐसी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट होती है। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, किसी गैप को फिल कर सकती है। तो आप ये गौर करें, जितने भी बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं किसी सोसाइटी में, वो किसी ना किसी नीड, किसी ना किसी गैप, किसी ना किसी प्रॉब्लम के रिस्पॉन्स में एग्जिस्ट करते हैं। और जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो ऑफर करते हैं वो असल सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होती हैं, वो गैप्स को कवर कर रही होती हैं, वो नीड्स को फुलफिल कर रही होती हैं। तो असल में जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी के सारी वैल्यूएबल होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। आपने ये मान लिया कि इन मार्केटिंग वी डील इन वैल्यू। अच्छा, वो जो वैल्यू हम ऑफर करते हैं टू आर कस्टमर, वो वैल्यू सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते हैं, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे एक्टर्स रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब उसमें एक चेन होती है जो वैल्यूज को कंट्रीब्यूट करती है। एक चेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है और एक चेन इन द मार्केटिंग सिस्टम है। तो पहले हम देखते हैं वैल्यू चेन ये है क्या। इज अ सीरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स दैट कैरी आउट वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज टू डिजाइन, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर एंड सपोर्ट अ फर्म्स प्रोडक्ट्स। गौर कीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन गारमेंट्स बनाती है, जेंट्स गारमेंट्स बनाती है, चलें लेडीज गारमेंट कह लें वो बनाती है, या दोनों ही बनाती है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप गौर कीजिए कितने यूनिट्स हैं जो फाइनल गारमेंट ऑफर किया जाता है टू द कस्टमर, वो उसको बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और वो एक सीक्वेंस के साथ, एक सीरीज के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। एक डिपार्टमेंट है जो डिजाइन करता है, एक डिपार्टमेंट है जो इनपुट्स को प्रोक्योर करता है, एक डिपार्टमेंट है जो उन इनपुट्स को स्टोर करता है, एक डिपार्टमेंट है जो उन इनपुट्स से गारमेंट्स बनाता है, एक डिपार्टमेंट है जो उस गारमेंट को मार्केट करता है, एक डिपार्टमेंट है जो उसको मार्केट में डिलीवर करता है। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे वो फाइनल वैल्यू विच इज ऑफर टू द कस्टमर उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक वैल्यू चेन होती है। इसका मतलब है कि वो बात जो हमने एक जमाने में पढ़ी थी कि मार्केटिंग को अपने कस्टमर सर्व करने के लिए कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट्स की हेल्प चाहिए होती है, ये उसी बात की एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। इसलिए या उसकी जस्टिफिकेशन है, क्योंकि जो वैल्यू मार्केटिंग ऑफर करता है वो सिर्फ मार्केटिंग नहीं बनाता बल्कि उसने दूसरे डिपार्टमेंट भी हिस्सा लेते हैं, इसलिए मार्केटिंग को उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। तो इसको, इस सिलसिले को जिसमें बहुत सारे कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हिस्सा लेते हैं वैल्यू क्रिएट करने का, उसको वैल्यू चेन कहा जाता है। होप दिस इज क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगली चीज है जनाब, वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। ये क्या चीज है? इज मेड अप ऑफ द कंपनी, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अल्टीमेटली कस्टमर्स हु पार्टनर विद ईच अदर टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर सिस्टम। इसमें जिन एक्टर्स का जिक्र किया गया है वो आपके लिए अजनबी तो नहीं है। आप लोगों ने जब माइक्रो इन्वायरमेंट पढ़ी थी तो आपने इन सब का ही तो जिक्र पढ़ा था वहां पर, और आप लोगों को वहां हमने ये लर्न बहुत ज्यादा, बहुत तफसील से इस बात को डिस्कस नहीं किया था। ये तो हमने लर्न किया था कि ये एक्टर्स इस हवाले से इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉपरेट न करें तो वो अपनी वैल्यू डिलीवर नहीं कर सकती है।
हम इसको अब जरा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। असल में जो माइक्रो एनवायरनमेंट होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसका वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क बनाती है। सप्लायर से वैल्यू आती है, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू ऐड करती है और डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, और डिस्ट्रीब्यूटर आगे वो वैल्यू कस्टमर को देता है। इनमें से कोई एक एक्टर भी मिस हो जाए या एक भी एक्टर का फोकस कहीं और चला जाए तो वैल्यू अल्टीमेटली कस्टमर को डिलीवर नहीं हो सकती। ये आर्ग्यू किया जाता है लिटरेचर में कि असल में प्रोडक्ट सेल तो ब्रांड्स करते हैं, लेकिन उनको प्रोड्यूस वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क करते हैं, जिनको इंटरनेशनली वैल्यू चेन का नाम भी दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। यहां पर एक बात टेक होम मैसेज और है कि आपको असल में अपनी जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, जो कि आपका वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क बनाती है, उसमें हर दूसरे एक्टर के साथ पार्टनरशिप अरेंज करनी पड़ती है। मैं आपको दो एक मिसालें जरूर देना चाहूंगा। हमने कहीं पर डिस्कस किया कि कुछ कंपनीज यहां पर फुटबॉल बनाती हैं और वो इंटरनेशनल ब्रांड्स को डिलीवर करती हैं। अब उन जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके लिए वो सप्लायर्स हुए, वो इंटरनेशनल ब्रांड्स उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। यानी कंपनीज अपने सप्लायर्स में भी इन्वेस्ट करती हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी इन्वेस्ट करती हैं। क्यों? इसलिए वो ये जानते हैं कि ये उनके वैल्यू पार्टनर्स हैं। इनकी इनको स्ट्रेंथन करने का मतलब ये है कि वो स्ट्रेंथन करें अपने आप को, क्योंकि इनकी हेल्प के बगैर वो कभी भी अल्टीमेटली वैल्यू डिलीवर नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यू हैव गॉट द टेक होम मैसेज और आप इसको याद भी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।